आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ नाम के लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी है, कंसिस्टेंट आपको रहना है, और जितना आप खुद को पुश कर सकते हो उतना लास्ट लिमिट तक आपको पुश करना है, क्योंकि आपको ये चीज अचीव करके ही रहनी है। और ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप किसी स्पेसिफिक एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। अगर कर हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि शर्मा और काफी खुशी के साथ इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें हमारे साथ है एक ऐसे एस्पिरेंट जिसने आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क ये सब क्लियर कर दिया है और एसबीआई पीओ का भी इंटरव्यू दिया है। तो ऐसे एस्पिरेंट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उनकी जर्नी से। उनका नाम है विनय, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो उनका स्वागत करते हैं और आपको ले चलते हैं उनकी जर्नी में, जिससे आपको सीखने को काफी मिलेगा। तो वेलकम विनय। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ठीक है, तो आपकी जर्नी से काफी लोग इंस्पायर जरूर होंगे, ये मेरी पूरी आशा है, क्योंकि आपने बहुत सारे पेपर क्लियर किए हैं। और पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जब एक बंदे का लेवल आ जाता है तो पेपर अपने आप क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अब विनय, स्टेज इज ऑल योर्स। तो आप मुझे अपनी थोड़ा सा, सबसे पहले तो ये बताओ कि जब रिजल्ट आया था 1 अप्रैल को, तब मतलब क्या माहौल था घर पे? आपने देखा कैसे, किसने देखा रिजल्ट, कैसे, क्या मतलब वो रॉ फीलिंग्स क्या थी? तो वैसे रिजल्ट तो मैंने ही देखा था, 1 अप्रैल को मॉर्निंग में रिजल्ट आया था। एंड मुझे मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, कि इतना एक्सपेक्टेड था सर कि सिलेक्शन तो होगा, लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा एंड वहां पे मुझे दिखा अलॉटेड पंजाब नेशनल बैंक, तो मैं खुद शॉक था। मैंने 3 से 4 बार पहले उसे कंफर्म किया कि सच में ये मेरा ही रिजल्ट है या फिर पंजाब नेशनल बैंक ही मिली है मुझसे। एंड जैसा मुझे कंफर्मेशन हो गया था फिर मैंने घर पे बताया। एंड सर उसके बाद तो सारे ही सर बहुत खुश थे घर पे, क्योंकि इसके पहले सर आरआरबी का तो रिजल्ट आ चुका था, बट ये सर पीओ का मेरा पहला रिजल्ट था। एंड सर बहुत खुश थे सबके सब घर पे सर, और बहुत अच्छा वो टाइम पे सर पूरा माहौल बन गया था। मैंने देखा आपने, आपके इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था, बहुत सारे दोस्तों ने भी आपको बधाइयां दे रखी थी, आपको स्टोरीज में टैग कर करके। तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगा देख के कि आपने काफी दोस्त वगैरह भी अच्छे बना रखे हैं, ठीक है। जो आपकी सफलता में आपके अच्छे हैं वही आपके दोस्त हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, कब आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई बैंकिंग की, और क्या आपका बैकग्राउंड था, और मतलब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा। यस सर, सर तो मेरी ग्रेजुएशन सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई है। एंड सर इंजीनियरिंग एक 4 साल का कोर्स होता है सर, लेकिन मैंने कंप्लीट करने में उसे सर 6 साल लिए हैं, क्योंकि सर मैं उतना मतलब टैलेंटेड था नहीं कि सर इंजीनियरिंग भी मैं 4 साल में कर सकूँ, उतनी समझ नहीं आती थी मुझे। तो धीरे धीरे सर करता मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, 2 साल एक्स्ट्रा लग गया था मुझे कंप्लीट करने में। उसका जब 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो वो टाइम तो मुझे पता था मुझे ना कॉलेज से प्लेसमेंट मिलने वाला है ना कोई प्राइवेट कंपनी मुझे जॉब देने वाली है। तो ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने 1 मंथ टाइम लिया था कि मुझे आगे करना क्या है ये सोचने में। एंड विद इन 1 मंथ मैं खुद को प्रिपेयर कर चुका था कि मुझे अभी अगर कुछ करना है तो गवर्नमेंट सेक्टर के ही कुछ ना कुछ करना है। एंड तो मैंने 2 से 3 अलग अलग सेक्टर चेक किए, एंड उसके बाद सर मैंने बैंकिंग सेक्टर को चूज किया। तो सर अगस्त 2021 से फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड सर उसके बाद फिर प्रिपरेशन की पूरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो ये अगस्त बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने बड़ी ऑनेस्टली और बड़े प्राउड होके भी, मतलब चलो जो भी है, आपने बड़ा अच्छे से बताया कि 4 साल की डिग्री को मेरे को 6 साल लग गए। मैं भी इंजीनियरिंग हूँ एक, मुझे भी पता है कि बीटेक थोड़ी सी टफ होती है, बट आपने थोड़ा ज्यादा ही मजे किए होंगे, बट अच्छा लगा कि उसके बाद आपने अपनी लाइफ में बाउंस बैक किया, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ विनय, कि आपकी जो प्रेपरेशन थी जब आपने स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग में आपको कैसे, मतलब किसने गाइड किया, कैसे आपको पता चला कि यार ये जो पाथ है अगर मैं ऐसे ही फॉलो करूंगा तो मेरा जल्दी क्लियर हो जाएगा? क्योंकि आपने इंजीनियरिंग में भी, आप एक केयरलेस स्टूडेंट थे आपने बताया, उसके बाद कैसे आपने मतलब 1-1.5 साल में ही सब कुछ कर दिया? तो सर जो मैंने स्टार्ट किया था अगस्त 2021 में, तो सर वो टाइम पे तो मुझे कुछ भी गाइडेंस था नहीं। मैं जो कुछ कर रहा था वो मैं खुद से ही स्टार्ट किया था और खुद से ही कर रहा था। तो मैंने अगस्त से लेकर दिसंबर तक का ये जो पूरा टाइम फ्रेम था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वे की तैयारी की थी, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई था नहीं। मैंने सिर्फ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था और मैं आशीष सर अंकुश सर के क्लास करता था, बस किए जा रहा था। एंड फिर
सबसे पहले टाइम मुझे आईबीपीएस की मेंस के लिए अपीयर होने का मौका मिला था, क्योंकि मेरा उस साल सिर्फ एक ही थ्री क्लियर हुआ था, बाकी एक भी क्लियर नहीं हुए थे। तो सर फिर उस टाइम मैंने सबसे पहले तो मेंस का लेवल देखा, मैं डर गया देख के, फर्स्ट टाइम ही मेंस देखा था सर उसका, और वो भी आईबीपीएस पीओ का। ऐसा फिर उसके बाद थोड़ा सा वो होता है ना सेल्फ डाउट वाला पार्ट, वो भी हुआ था कि रियलाइज तो कर पाएगा सच में इतना बड़ा पेपर क्लियर। तो सर फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था जिसने एसबीआई जेए क्लियर किया था सर, तो मैंने तो उससे कंसल्ट किया था एंड उसने फिर मुझे गाइडेंस देना स्टार्ट किया था। तो उसने मुझे बताया कि हमें मॉक्स देने होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्री के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप मेंस में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और डेली मॉक्स दो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, उनका एनालिसिस आप अच्छे से करो, तब जाके आपका प्रोग्रेस होएगा। तो सर एक गाइडेंस के लिए मेरा एक ये फ्रेंड था एसबीआई जे वाला एंड एक दूसरा फ्रेंड था तो उसका आईबीपीएस पीओ में हुआ था, तो ये दो सर मुझे उसके बाद गाइडेंस मिले। एंड मैं लिटरली कहूंगा सर खुद से प्रिपेयर करने में एंड अगर आपका कोई गाइडेंस के लिए पार्टनर होता है तो हाँ, उसके बाद प्रिपेयर करने मेंटर में का तो बहुत बिल्कुल डिफरेंस आ जाता है। ठीक बिल्कुल मेंटर मेंटर का रोल है होता सर, है, जो आपके दोस्तों ने मेंटर का रोल निभाया उनकी भी, मतलब उनको भी बहुत क्रेडिट्स जाना चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट पार्ट पे आते हैं कि ये तो बातें होगी नॉर्मल, उससे भी पहले एक और बात पूछूंगा कि जैसे आपने बोला सेल्फ बिलीफ डाउट हो रहा था, तो वो आप मतलब कैसे अपने आप को वापिस लाते थे, अपने ऊपर भरोसा कैसे जताते थे? तो वो टाइम पे मुझे पता था कि मैंने तो सिर्फ स्टार्ट ही किया है एंड स्टार्ट करके मैं इतना डीप तक अभी भी गया नहीं था, तो ये भी हो सकता था कि मैंने तो पूरी प्रिपरेशन की नहीं थी। तो एक ये था कि चलो एटलीस्ट अगर किया नहीं है कम से कम ट्राई जरूर करके देखेंगे। एंड उसके बाद फिर मैंने मेंस के क्लासेस स्टार्ट किए थे, तो मैंने मेंस के क्लासेस देखे और मुझे इतना था कि मेरे बेसिक कंसेप्ट वो 5 मंथ्स में स्टार्टिंग के क्लियर हो चुके थे, तो मेंस का भी मुझे समझ में आ रहा था। एंड सर जब हमें ऐसा कुछ समझ में आता है, हम क्लासेस करते हैं, हमें अंडरस्टैंड होता है वो, तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से ही बिल्ड होता है कि हाँ ये ऐसी चीजें जो हम खुद से कर सकते हैं। तो जब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ तो आ गया करके। बट उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए एक कंसिस्टेंसी नाम का भी प्राणी है जो हमें चाहिए, तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे आपने इतना कर लिया, कैसे मतलब आपने ये कंसिस्टेंट रहे इतना? मैं सर जरूरी मतलब सबसे जरूरी पॉइंट जो कहूंगा सर आपने बिल्कुल कहा, वो कंसिस्टेंसी ही है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड ऐसा जिसने मुझे एक पॉइंट बताया था कि देख भाई ऐसा है, अगर तू सुबह 6 बजे उठ रहा है डेफिनेटली कंपटीशन इतना बड़ा है जिसमें कोई 13 से 5 मिनट पहले उठ रहा है। अगर तू दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है डेफिनेटली कोई एक बंदा है जो तुझसे 5 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर। तो सर उसने मुझे ये बताया कि तू जितना कर रहा है उससे ज्यादा करने वाले बहुत लोग हैं, तो अगर इतने बड़े कंपटीशन में तुझे कहीं खड़ा होना है तो सबसे मेन बात तुझे कंसिस्टेंट ही रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो मेहनत कर, कंसिस्टेंट रह, और जब कुछ बन जाएगा उसके बाद तू एंजॉय कर सकता है, लेकिन अभी तेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है तो मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। अब सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं, हमने बहुत जरूरी थी जो भी बातें की वो भी काफी जरूरी थी। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर पे अगर हम आएंगे तो जो जीए है, सबसे पहले जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और सबसे डुबाने वाला भी वही सब्जेक्ट होता है, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस कहाँ से की थी और कैसे की थी और क्या गाइड करना चाहेंगे? हाँ सर, जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने मतलब मेरे जो उसके बाद जब मेरे फ्रेंड्स आए थे तो उन्होंने जब मुझे गाइड किया तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि जनरल अवेयरनेस के लिए आप दो सोर्सेस फॉलो करो, एक आपके पास वीडियो सोर्स होना चाहिए एंड एक आपके पास पीडीएफ सोर्स होना चाहिए। तो सर मैं यही करता था, मैंने आशीष गौतम सर के यूट्यूब से क्लासेस लिए थे, फ्री वाले क्लासेस करता था मैं। एंड उसके बाद एक पेड कोर्स मुझे टेलीग्राम पे मिला था, तो मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया था और मैं वहां से पेड कोर्स करता था। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करता था कि ऑलमोस्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स है वो मैं प्रिपेयर करके ही चलूँ, क्योंकि सर ऑप्शन कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे खुद को लूज छोड़ सकता था, क्योंकि वही बात आती थी सर कि अगर मैं खुद को लूज छोड़ूंगा तो डेफिनेटली मुझसे कई गुना अच्छे बंदे हैं या फिर जो कैंडिडेट्स है जो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सर मैं जितना हो सकता था उतना मुझ कॉम्पिटिशन से खुद को आगे रखने के लिए ट्राई कर। मतलब आप डेली ये अपने आप को फोकस्ड रखते थे ये कह के कि भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते थोड़ी भी इनकंसिस्टेंसी, और थोड़ा भी फोकस भटका तो गए। तो सबसे मुझे यही समझ आ रहा है कि सबसे मेन पॉइंट आपका फोकस ही था, जो फोकस से आती है फोकस से कंसिस्टेंसी आती है, कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस, और फिर पेपर क्लियर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वांट और रीजनिंग की।
ये थोड़े टफ सब्जेक्ट लगते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की हिसाब से। प्री में तो चलो मैंने भी बताया हुआ डेली टारगेट्स, आपने भी शायद वो डेली टारगेट्स किए होंगे, रोज 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 मॉक्स दिए होंगे, लेकिन जो क्वांट और रीजनिंग मैथ्स जो मेंस के लिए है वो आपने कैसे की थी? हाँ सर, जैसे मैंने बताया, मैंने क्वांट के लिए आशीष अरोरा सर को फॉलो किया था एंड रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर को। तो सर आई थिंक ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि मैंने दोनों ही बहुत अच्छे सर को टारगेट किया था मैंने मेरा प्रिपरेशन करने के लिए। तो सर मैंने फर्स्टली तो यही माइंड में रखा था कि मुझे मेरे बेसिक्स कंसेप्ट सारे क्लियर करने चाहिए, क्योंकि जब मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए तभी जाके मैं मेंस के क्लास कर पाऊंगा एंड उनको समझ पाऊंगा और उससे मुझे कुछ फायदा होगा। तो सर जब मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो चुके थे, मैंने मेंस के क्लास किए आशीष सर अंकुश सर से एंड सर एक बार जब मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ मैंने अभी सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर चुका, तो सर उसके बाद डायरेक्टली आशीष सब्जेक्ट टू मॉक सर, मैंने मॉक्स लेना शुरू किया एंड सर मॉक्स देने से ही सर आपको तो पता ही है मॉक्स देने से सिर्फ फायदा नहीं होता है जब तक हम उसका एनालिसिस ना करें। तो ये था सर, मैं मॉक देता था एंड मैं ट्राई करता था कि मैं मेंस के जो मॉक्स थे उसमें आपका क्या स्कोर रहता था? सर जब स्टार्टिंग में दिए थे तो वो टाइम पे तो सर मतलब 4 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल इतना ही जाता था। लेकिन सर फिर यही था एनालिसिस, अगर लेकिन आप करोगे लेकिन और कई पूरे बच्चे क्वेश्चन ना, सॉल्व मुझे करोगे। बहुत सारे बच्चे ये मैसेज करते हैं कि सर हमारे मॉक में मार्क्स नहीं आते, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हमारा मॉक देने का मन नहीं करता। तो जब आपके ये 50% आते थे या 4-5 नंबर ही आ रहे हैं क्वांट में, मेरे खुद के भी 0 आते थे कई बार, फिर भी मतलब कैसे आप कैसे ये मॉक मॉक का असली मकसद आप कैसे समझाएंगे लोगों को, और अपने आप को आप कैसे समझाते थे? तो बात यही आती है कि आपके पास अभी क्या है, अगर आपके पास कुछ बैकअप रेडी है तो आप डेफिनेटली वो आप भूल जाओगे कि छोड़ो हमारा तो कुछ ना कुछ बैकअप रेडी है, हम वहां चले जाएंगे, यहाँ नहीं हो रहा। अब मेरे केस में सर ऐसा था नहीं कि मेरे पास कुछ बैकअप रेडी है, मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं था, अगर मुझे कुछ करना था तो यही था, मुझे इसमें ही सब कुछ करना था। तो खुद को वही मार के समझाओ, कुछ भी बोल के समझाओ, लेकिन समझाना था कि भाई तुझे करना है, कर तू सॉल्व कर प्रैक्टिस कर, लेकिन यही तुझे करना है, ये था सर। देखिए वैसे ना बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ज्यादा, बट फिर भी वो इतना मेंटल टफनेस नहीं रख पाते। बट ये यहाँ पे मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने काफी अपने आप को एक जोन में रखा कि भाई कुछ भी हो जाए, 0 भी आए माइनस में भी आए, करना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो करना तो आपने यू हैड नो प्लान बी, इसलिए भी आपने काफी कर गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंग्लिश 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 आपका कैसा था शुरू से ही, और अगर बुरा था तो आपने कैसे इम्प्रूव किया, और अच्छा था तो वो क्यों अच्छा था, सर, और कैसे लोगों का अच्छा हो सकता है? मैं तो कहूंगा सर मेरा सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट जो था वो इंग्लिश ही था सर, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तैयारी शुरू की थी एंड मॉक्स जब दिए थे तो ऐसा होता था कि सर मैं मॉक्स में फ्री की अगर मॉक है तो मैं ऑलमोस्ट 22-25% अटेम्प्ट तो करता था एंड जब स्कोर देखो तो 15 से 20 गलत, 4-5 सही निकलते थे उसमें से। तो वो समझ चुका था कि इंग्लिश का तो मैं सब मतलब कुछ था ही नहीं मेरा बेस। तो मैंने स्टार्टिंग में सर सब कुछ फॉलो किया, मैं सब कुछ ट्राई कर चुका था, मैंने ग्रामर के क्लासेस लिए थे, जितने जो कुछ भी बैचेस मुझे मिल सकते थे इंग्लिश के लिए मैंने वो सब फॉलो कर लिए थे एंड सर ऑलमोस्ट मैंने 2 मंथ्स को भी मैं कंप्लीटली मैं ग्रामर और सब कुछ फॉलो करता था। उसके बाद भी सर मेरे साथ तो वही हुआ, मेरे स्कोर ही इम्प्रूव नहीं हो पाए उसमें। एंड सर एक अंकुश नामा सर सर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर एक बुक है, आप एक बार उसे जरूर पढ़ के देखो, ऐसा सर सजेस्ट करते हैं। तो सर मैंने वही ट्राई किया, मैंने वो बुक मुझे टेलीग्राम पर PDF मिला था तो और मैंने क्या नाम है डाउनलोड बुक का, की क्या एंड मैंने बताया हाउ आपने? हाउ टू रीड फास्टर एंड बेटर, टू रीड बेटर एंड फास्टर, सर बेटर एंड फास्टर, ठीक है। अच्छा, मुझे वो बुक बुक का को आपने PDF मिला था। रीड किया, उसके बाद जब स्कोर्स बढ़ने लगे तो वो कंसिस्टेंटली जो आपने कुछ आप डेली रीडिंग भी करते थे, कुछ और भी आर्टिकल्स वगैरह आरसीज वगैरह सॉल्व करते थे यस आप? सर, तो मैं सर एडिटोरियल रीड करता था, एक्चुअली द हिंदू का एडिटोरियल मेरे लिए बहुत हाई लेवल का था सर, तो मैं उसे फॉलो नहीं करता था, मैं द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ता था एंड उसके साथ सर मैं एक डेली इंग्लिश की सेक्शनल मॉक लगाता था एंड उसका एनालिसिस करता था। तो ओवरऑल मेरा टोटल ये चल रहा था कि मैं बुक पढ़ रहा था, मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था एंड एक मॉक दे के उसका एनालिसिस कर रहा था। तो ये मैंने कंप्लीट
एक से 2 महीने के लिए फॉलो किया था, एंड इसी के बाद सब मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट देखने मिला था, हाँ उसके पहले तो वो कुछ भी नहीं था। रीडिंग में कंसिस्टेंसी, और अगर आप रीडिंग में इन टच रहें तो आपकी लैंग्वेजेस तो सुधर जाती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। तो जो इसके बाद बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, ये भी इंग्लिश का ही पार्ट है इसलिए मैं साथ में ही बात करना चाहता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो IBPS PO में हुआ था, वो क्या टॉपिक पे आपने लिखा था ऐसे, और कैसे तैयारी कैसे की थी थोड़ी बहुत? अब टॉपिक तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है सर, एक्चुअली था तो अच्छा बट सर उसके लिए तैयारी मैंने ये की थी कि मुझे एक बुक मिल चुकी थी जिसमें ऐसे और लेटर पूरे टेलीग्राम से ही मुझे वो PDF मिला था, तो मैंने वो डाउनलोड की थी। एंड मैं स्टार्टिंग में जैसा हमारी जब प्री हो चुकी थी तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा अब हम मेंस तो देने वाले हैं, तो वही टाइम से मैंने रोज एक ऐसे और एक लेटर ये रीडिंग करना स्टार्ट किया था कि एक आइडिया आ जाए कि पैटर्न कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए हमारा, तो ये मैंने स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद मैंने टाइपिंग भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सर टाइपिंग की भी स्पीड वहाँ पे मैटर करती है थोड़ी, तो बिल्कुल रीडिंग भी हो चुका था, एक फॉर्मेट हमें पता चल चुका था, एंड उसके बाद सर फिर टाइपिंग भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो डेली जब आप रीडिंग वगैरह करते हैं एसेज और लेटर्स, तो आपको एक फॉर्मेट और जो सारा कुछ है वो एक सबकॉन्शियस माइंड में सेट होने लग जाता है। तो आपकी ये काफी मुझे अच्छी स्ट्रेटजी लगी। इसके बाद बात करेंगे इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपको कहाँ से हेल्प हुई और कैसे आपने तैयारी की? सर मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो सर RRB PO का था, एंड सर वो जिंदगी का ही फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, तो वो टाइम पे तो मुझे कुछ पता भी नहीं होता था कि मतलब इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, तो मैंने सर सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस में जितना क्लियर कर सकता था वो पार्ट क्लियर किया था, थोड़ा बहुत HR के मुझे क्वेश्चंस मिले थे वो प्रिपेयर किए थे, एंड मैं गया था बस विदाउट कुछ मॉक इंटरव्यू कुछ भी नहीं दिए थे, और स्कोर भी सर वैसे ही आए थे उतने गुड नहीं थे, मतलब 60 स्कोर आए थे मेरे 100 में से, तो और मेंस में मेरे बहुत जब और मेंस में कितने मार्क्स थे आपके? मेंस में से कट ऑफ से 1 मार्क ऊपर था मैं RRB में, तो नहीं, इसमें अपने उसी जो कारण तो IBPS PO है उसके मेंस में। IBPS PO मेंस में मेरे सर 87.5 मार्क्स आए थे, एंड सर इंटरव्यू में भी उसमें 80 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, क्योंकि वो टाइम तक तो मैंने मॉक इंटरव्यूज परचेस किए थे IBPS PO के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक गलती कर चुका था एंड उससे फिर सीख चुका था कि मैं अगर आपको अच्छा कुछ करना है तो आपको मॉक इंटरव्यूज तो भी देने ही चाहिए, तो मैंने परचेज किए थे, मैंने मॉक इंटरव्यू दिए था, इसीलिए प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी इसीलिए मैं भी मॉक इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करता रहता हूँ। आप ठीक है, तो अब ये मुझे लेट पता चला सर कि आप भी लेते हैं। इसके बाद ना मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू में वहां पे आपके IBPS PO में सवाल वगैरह पूछे थे, तो वो कैसे सवाल थे? और कुछ ऐसा तो नहीं, क्योंकि कई बच्चे ना बहुत डर जाते हैं, तो कुछ मैंने भी बहुत बार बोला है कि कुछ ऐसा नहीं पूछते कि आउट ऑफ द वर्ल्ड ही पूछ लिया कि आपको पता ही नहीं लगेगा। इंटरव्यू तो आपके बारे में ही होगा, आपकी बैकग्राउंड के बारे में होगा, आपकी जो भी जॉब अगर है तो जॉब के बारे में होगा, या फिर करंट से थोड़ा बहुत पूछ लेंगे, बेसिक बैंकिंग से पूछ लेंगे, यही सब रहता है। तो आपसे कैसे सवाल पूछे गए थे? सो सर मेरा इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट 30 सेकंड के लिए ही चला था, एंड सर उतने ही टाइम फ्रेम में मुझे 80 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100 से इंटरव्यू में, तो मेरा इंटरव्यू ऐसा था कि सर जो हमारे बीच में सर जो होते हैं सबसे पहले टोटल 5 मेंबर्स थे, एक ही फीमेल थी और बाकी सब मेल थे, तो जो बीच वाले सर थे सर चेयरमैन सर, तो उनने मुझे पहले इंट्रोडक्शन दिया, एंड इंट्रोडक्शन के बाद सर 2 से 3 क्वेश्चन उनके थे कि बैंकिंग सेक्टर हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कैसा कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद सर 1 से 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चरल रिलेटेड पूछ लिए थे, एंड सर रिसेंटली वही टाइम पे हमारा बजट आया था, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हुए, GDP से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे सर, एंड सर उन्होंने फिर सेकेंडली मुझे शिफ्ट किया था जो सेकेंड सर थे उनके ऊपर, तो हाँ, वो एक एक करके पूछते हैं सेकेंड सर। यस तो सेकेंड सर जो थे वो उन्होंने डायरेक्ट जो मेरा ग्रेजुएशन था उस पर टारगेट किया, एंड उन्होंने सर मुझे 2 ही क्वेश्चन पूछे मेरे ग्रेजुएशन रिलेटेड, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग था तो, एंड मैंने दोनों ही क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए थे क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में कुछ किया ही नहीं था, तो थर्ड फिर मैम थी उनके ऊपर गया, मैम ने भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, साइबर फ्रॉड फिशिंग इसके बारे में पूछ लिया था, एंड जो तो चौथे सर थे उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट के जो हमारे स्कीम्स होते हैं जैसा वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम उसके बारे में मुझे डिटेल में पूछ लिया,
सर ऐसा मेरा इंटरव्यू सिर्फ 5.5 मिनट में चला था, तो मैं उसके बाद बाहर आ चुका था। और इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं किए थे, आउट ऑफ द बॉक्स वगैरह आए थे जो हमारे सामने ऑलरेडी हो चुके थे। और आपने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, इसलिए आपके 80 मार्क्स उन्होंने दिए, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है। ठीक है, तो मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, इंटरव्यू भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आप किस बच्चों को फाइनल मैसेज देना चाहें तो वो क्या देंगे? सर मैं तो यही कहूंगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ नाम के लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी है, कंसिस्टेंट आपको रहना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप जितना देर तैयारी कर रहे हो या जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपसे 1 घंटा 2 घंटा या फिर आपसे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करने वाले बहुत बच्चे हैं। तो अगर आपको इतने बड़े कॉम्पिटिशन में आपको खुद को बनाए रखना है, तो ट्राई करना है आपको कि आप सबसे ऊपर रहे, और आप अपनी तरफ से 100 नहीं तो 200% आपको वहां पे देना है। और जितना आप खुद को पुश कर सकते हो उतना लास्ट लिमिट तक आपको पुश करना है, क्योंकि आपको ये चीज अचीव करके ही रहनी है। और ऐसा बिल्कुल कभी मत करना कि आप किसी स्पेसिफिक एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आपको पूरे ही बैंक के एग्जाम टारगेट करना है, और एम वही रखना है कि हम सारे ही एग्जाम क्लियर करें, तब जाके फिर आपका डेफिनेटली मल्टीपल सिलेक्शन आपसे हो ही जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि भाई फोकस से हटे तो, वो जो रोड पे भी लिखा होता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो वैसा आपकी बिल्कुल जर्नी है। काफ़ी आप काफ़ी फोकस्ड है बंदे हैं, आपकी स्माइल भी बड़ी अच्छी है, और आप वही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं भी पार्ट हूँ, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू बिल्कुल सबली इन पर्सन। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच, डेफिनेटली सर, आपने अपना टाइम दिया जिससे काफ़ी लोग इंस्पायर थैंक यू सो होंगे, मच। और आपके भी घर वाले खुश होंगे ये इंटरव्यू देख के, ऐसी मेरी आशा है। तो थैंक यू वेरी यस मच। थैंक यू सो मच।